वहीं यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने मायावती पर हमला बोला है, साथ ही उन्होंने गठबंधन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसपी बीएसपी की हालत बुरी हो गई है, जहां कभी समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए अकेले मुलायम सिंह जाते थे, आज हालत यह है कि तीन तीन नेता एक साथ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का नामांकन भव्य होगा। आज रामनवमी का मौका है और मायावती का ट्वीट आता है, उनका कहना है कि आज रामनवमी के मौके पर भगवान श्री राम को सब लोग याद कर रहे हैं, लेकिन बजरंग बली और अली को लेकर कुछ लोग विवाद भी पैदा कर रहे हैं। बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, वो संवैधानिक पद पर रही हैं, उन्हें इस तरह के गैर जिम्मेदारी का बयान नहीं देना चाहिए। रामनवमी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। अली बजरंग बली का विवाद भी जो लोग पैदा कर रहे हैं, उस पर जो टिप्पणी कर रहे हैं, उसमें मायावती जी जो अपने विचार रख रही हैं, मैं समझता हूं कि सबको शांति बनाए रखने के लिए, सबको साथ रखने के लिए, सबके साथ सबके विकास की बात को ध्यान में रखते हुए अपने विचार प्रकट करने चाहिए। आज बदायूं में महागठबंधन की रैली है, अखिलेश यादव, मायावती और अजीत सिंह एक बार फिर से मंच में दिखाई पड़ेंगे और सांसद धर्मेंद्र यादव के लिए ये रैली की जा रही है। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि ये महागठबंधन जैसे पवित्र शब्दों से जो नवाजा जा रहा है, ये महागठबंधन की जगह ठगबंधन है। चौधरी साहब हमेशा सपा के खिलाफ बोलते रहे, मायावती जी का सदैव 36 का आंकड़ा रहा, धर्मेंद्र यादव जी वहाँ के सिटिंग एमपी हैं, उन्हें भी बैसाखी और सहारे की आवश्यकता पड़ी और एक मीटिंग में जो जहाँ मुलायम सिंह जी अकेले जाया करते थे, वहाँ अखिलेश जी, मायावती जी और अजीत सिंह जी और एकाध लोग और जिसको भी तलाश रहे हों, एक आधा दर्जन लोगों की बैसाखी के सहारे अगर बदायूं यात्रा वो पूरी करना चाहते हैं, तो इससे संदेह उत्पन्न करता है कि धर्मेंद्र यादव जी इस बार लोकसभा जाएंगे।